तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है कि आइसोथर्मल कर्व है द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री वेरिएबल्स। ये तीन वेरिएबल्स हैं जिसकी हेल्प से हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन कर्व। आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल होता है प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, प्रोसेस चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये वाली टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट है, तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी से देखोगे तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पी और बी का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, ठीक है, हाइपरबोला। आप ये वाली चीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑप्शन स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। बाकी ये वाला ऑप्शन अगर देखोगे तो ये भी सही नहीं है, मतलब या तो फोर्थ सही है या तो अपना थर्ड फर्स्ट सही है, ठीक है ना। तो ये बात हमें क्लियर हो गया, दो ऑप्शन है। तो अब चलो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो कभी भी अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो बहुत ही अच्छा तुम्हें आइडिया बताता हूँ ये वेरिएबल्स कंपेयर करने का। तो अगर ये पी है और ये बी है तो ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे जो कर्व है, इस कर्व पे एक काम करो, ये इसका टेम्परेचर, इस कर्व पे अगर तुम देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन बना लेना। आप ऐसे भी बना सकते हो और हॉरिजेंटल और वर्टिकल जैसे भी बना सकते हो। हम सबको पता है कि एक आइसोथर्मल कर्व पे इस पर्टिकुलर एक कर्व के लिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या बोलो, कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसके लिए तो कांस्टेंट नहीं है ना, इसके लिए कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर तुम जैसे ही मैं लाइन बनाया हूँ तो 0.1, 0.2, 0.3 इन तीनों पॉइंट के लिए तुम देख रहे हो प्रेशर की वैल्यू क्या है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो अगर इन तीनों के प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और अगर इन तीनों पॉइंट में देखोगे तो ये जो है इसके लिए तो वी थ्री के लिए वॉल्यूम सबसे अधिक है और वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, क्योंकि जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बात आ रहा समझ में? तो अगर यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है देख रहे हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। इसका मतलब ये हुआ ये जो कर्व है इस वाले कर्व पे, ठीक है, आइसोथर्मल इस वाले कर्व पे तो टेम्परेचर की वैल्यू सबसे अधिक होगी, ठीक है, इसकी अधिक होगी, इससे थोड़ा कम होगी, मिनिमम यहाँ होगा। तो इसके लिए टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और इसके लिए टेम्परेचर मिनिमम होगा, मतलब टी थ्री सबसे अधिक होगी। तो टी थ्री इज ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पर मिनिमम है तो ये भी ऑप्शन गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टी थ्री है ना, इस कर्व के लिए टी थ्री है। बात आ रहा समझ में? तो इस कर्व के लिए अगर टी थ्री है तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ ऑप्शन अपना सही बनता है। तो दिस इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट। आई होप कि आपको बहुत मज़े से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यार, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप कुछ सीखते हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ सपोर्ट करो। बाय बाय, टेक केयर।